अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में बहुत सारा बैटरी बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दिन इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम का फर्स्ट टाइम बूट, जो कि हम फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं मोबाइल को ऑन करके और उसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसे सेटअप करना है और अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही यूजफुल है वीडियो। तो आज के वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया, कैसे आप बहुत सारा बैटरी बैकअप इसमें ला सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहां से आप नोटिफिकेशन स्वाइप डाउन करेंगे तो पावर सेविंग मोड है ही इसमें, तो उससे आप बैटरी को बचा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें ऐसे सेटिंग्स है, अगर थोड़ा आप यहाँ पर गौर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिन तक आप इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सेटिंग्स में अगर जाएंगे डिवाइस मेंटेनेंस करके एक बार टैप कर दीजिए, तो यहाँ पर डिवाइस मेंटेनेंस में बैटरी करके है, इसके ऊपर एक बार टैप करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 मोड है, ऑफ, मिड एंड मैक्स। यहाँ पर बैटरी यूसेज का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी यहाँ पर बैटरी 96% है इस मोबाइल में, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड बैटरी लाइफ मतलब 52 आवर्स 48 मिनट्स तक। अभी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मोबाइल को, उसी तरह अगर मैं यूज़ करता जाऊँ तो 52 आवर्स 48 मिनट्स तक मिलेगा, यानी अराउंड 2.5 डेज तक आराम से इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ और म्यूज़िक सुन रहा हूँ और कुछ मैसेजेस भेज रहा हूँ और फ़ोन कॉल्स कर रहा हूँ, तो यह जल्दी से गिर जाएगा। लेकिन उसको सेव कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर मिड करके है और मैक्सिमम मोड है, तो मिड पर अगर टैप कर देंगे तो मान लीजिए अगर 50% बैटरी बचा है इस मोबाइल में और ज़्यादा जल्दी कंज्यूम नहीं होना है बैटरी, तो उसको सेव करना है, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस 10 आवर्स तक आपको एक्सटेंड करके अराउंड 63 आवर्स बैटरी अभी मिलेगा, मतलब अराउंड 3 डेज तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी वही सेटिंग्स, वही यूसेज रहेगा। क्या करता है कि यहाँ पर जो भी क्लॉक स्पीड रहता है उसको लिमिट कर देगा, जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते रहते हैं अननेसेसरी, तो उसको वो फोर्सेबली ऑफ करके आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा। तो ये है मिड सेटिंग। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर सेविंग मोड, जो कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड वो भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पावर सेविंग मोड को अगर आप ऑन करेंगे तो अभी जो 96% बैटरी बैकअप है, इसके आधार पर हमको कैलकुलेट करके बताएगा कि एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ अप टू 192 आवर्स 43 मिनट्स, यानी कि अराउंड 8 to 9 डेज तक आप नॉर्मली जैसे यूज़ कर सकते हैं फ़ोन करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, अराउंड 8 डेज तक आप उसी यूसेज को यूज़ करके आप बैटरी को बचा सकते हैं और अराउंड 7 to 8 डेज तक आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फीचर है, अगर आपको पता नहीं और इमरजेंसी सिचुएशन में तो बहुत ही यूज़फुल होगा है। तो ये वाला अगर हम टैप करना है तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, एक बार अप्लाई कर देंगे तो डार्क थीम मोड ऑन हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स एक्टिव नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको जो यूसेज करते हैं तो वहीं पर उतना ही वो दिखाता जाएगा। तो बैकग्राउंड नेटवर्क यूसेज भी ऑफ हो जाएगा, वो आप ऑन कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट को ऑन या ऑफ वो कस्टमाइज़ करके भी रख सकते हैं। अगर मैं फ़िलहाल ऑफ़ करता हूँ तो देखिए 190 आवर्स 42 मिनट्स रिमेनिंग करके बता रहे हैं, जो कि 95% अभी रिमेनिंग बैटरी है, उसके आधार पर वो कैलकुलेशन। मान लीजिए अगर 50% बैटरी यहाँ पर है और इस पावर सेविंग मोड को ऑन कर देते हैं तो 190 से लगभग 90 to 95 आवर्स तक आ जाएगा, मतलब फिर भी आप सिर्फ 1 डे में बैटरी कंज्यूम होना आपको आराम से 3 to 4 डेज तक आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए कि कितना दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो बहुत ही हैंडी और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है, स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है, चार्जर भूल गए हैं आप, तो इस सेटिंग को ज़रूर ऑन करके रखिए और आप बहुत ही अच्छी तरह से जनरली कैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक। देखिए फ़ोन करने के लिए फ़ोन है, जस्ट नॉर्मल डायल कर सकते हैं, यहाँ पर डायल पैड है, यहाँ पर मैसेजेस भेज सकते हैं, कुछ ऐप्स को ऐड भी कर सकते हैं आप, देखिए मैप्स, फेसबुक हो, जीमेल हो, वो भी आप ब्राउज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप सेटिंग्स में देखेंगे, लोकेशन, बैटरी, ब्राइटनेस, साउंड, ब्लूटूथ, वाईफाई, फ्लाइट मोड, सिर्फ इतने मोड्स को इस मोबाइल में इसके रिलेटेड जो भी है वही आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटरनेट तो वाईफाई के इसमें आ गया या फिर मोबाइल डेटा के में आ गया, तो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं,
तो इतने सारे सेटिंग्स आप 190 आवर्स 42 मिनट्स रिमेनिंग करके दिखाई दे रहा है, अराउंड 8 टू 9 डेज तक आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में यूज़ कर सकते हैं आराम से इस मोबाइल में। तो इसको ऑफ़ करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक बार टैप करके टर्न ऑफ मैक्सिमम पावर सेविंग मोड करके प्रेस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर वो रिवर्ट पैक होकर नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर आपको पता नहीं तो ये वाला मोड बहुत ही यूज़फुल मोड है इमरजेंसी सिचुएशंस में, या फिर आप डेली भी रख के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिन आपको बैटरी मिलेगा। मैं इस मोबाइल को टेस्ट भी किया हूँ अराउंड 1 वीक तक, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा कितने दिन तक बैटरी इसमें आया था, बैटरी बैकअप इसमें है। तो यहाँ पर अगर हम गैलरी पर जाके स्क्रीनशॉट मैंने लिया था इस पर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अराउंड 4 डेज 21 आवर्स विदाउट एनी यूसेज मैं स्टैंड बाय टाइम देखने के लिए रखा था मोबाइल, तो अराउंड 4 डेज 21 आवर्स तक आया है। तो 4 डेज में सिर्फ सेल का स्टैंड बाय है, डिवाइस आइडल, एंड्रॉयड ओएस का जो भी यूज़ होता रहेगा बैकग्राउंड में उतना यूज़ हुआ है, और स्क्रीन मैं ऑन करके ऐसे देखता हूँ तो स्क्रीन का 6% यूसेज हुआ है। बस इतने यूसेज में आपको आराम से 4 डेज 21 आवर्स, वो भी 48% बैटरी बैकअप लेफ्ट है अभी, मतलब 26 आवर्स 24 मिनट्स लेफ्ट है, तो आराम से 6 डेज तक स्टैंड बाय टाइम आप यूज़ कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो स्टैंड बाय टाइम अगर रखेंगे ऐसे ही मोबाइल को तो अराउंड 6 टू 7 डेज आएगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे तो वो पावर सेविंग मोड ऑन करेंगे तो और ज़्यादा दिन आएगा आपको। तो ऐसे आप अपने यूसेज के आधार पर आप बैटरी को इस मोबाइल में बचा सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल फीचर मैं समझता हूँ। उसके साथ अगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप ब्राउज करेंगे नीचे बैटरी सेक्शन में तो रिज़र्व बैटरी फॉर कॉल्स, अगर सिर्फ कॉल्स एंड मैसेजेस के लिए रिज़र्व करना चाहते हैं इस मोबाइल को तो सिर्फ उसको ऑन करके आप रख सकते हैं, इससे भी आपको और ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा दोस्तों। तो देखिए बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है ऐसे, तो इसको सिर्फ टैप ऑन एंड ऑफ करना है बस। उसके साथ एक्सटेंड बैटरी टाइम है, जैसे कि मिड एंड मैक्सिमम मोड था वैसा ही ये एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ बाय लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके आता है, अगर लेवल 2 पर हम रखेंगे तो 78 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिलेगा, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा है। देखिए अराउंड 3 टू 4 डेज तक आप इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं 78 आवर्स मतलब। तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉरवर्ड कॉल्स व्हेन नो बैटरी, तो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉल्स व्हेन नो बैटरी बहुत ही यूज़फुल फीचर है दोस्तों, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में, ये फीचर भी बहुत ही यूज़फुल है। मान लीजिए अगर इस मोबाइल में बैटरी बचा ही नहीं है अभी, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले थे तो उसको मिस नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरों को आपके जो भी करीबी रिश्तेदार हो या फिर रिलेटिव्स हो फ्रेंड्स हो या उनको अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसी कॉल्स एंड मैसेजेस को, तो आप इस सेटिंग्स के द्वारा कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आप जिस नंबर को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो नंबर को सेलेक्ट कीजिए और मैसेज भी लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए अगर इस मोबाइल को कॉल आने वाला था तो उसी मोबाइल को ये नंबर को रिवर्ट किया गया है, फॉरवर्ड किया गया है, तो कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी इस मोबाइल को फ़ोन या फिर मैसेजेस आने वाले थे तो वही फ़ोन एंड मैसेजेस उस नंबर को आप दूसरे नंबर को भेज सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है, तो अगर आपने इनेबल नहीं किया है इमरजेंसी सिचुएशन में आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पर ऐप पावर मॉनिटर, मतलब जो ऐप्स जैसे पावर यूज़ कर रहे हैं बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताएगा, फिलहाल ऐप्स रन नहीं हो रहे तो यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, तो ऑप्टिमाइज़ करके प्रेस करेंगे तो ऑप्टिमाइज़ होकर आपको वो फोर्सफुली क्लोज होगा और जो भी ऐप्स क्लोज हुए हैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐसे देगा, तो इसे फोर्सफुली ऑटोमेटिकली आपको फोर्स स्टॉप करके ऑफ हो जाएगा वो एप्लीकेशंस रन होना बैकग्राउंड में, तो उससे भी आपका बैटरी ज़्यादा बचेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में, होपफुली आपको एक टिप वाला वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। हमको यूजुअली पता है कि कैसे आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा बैटरी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का मैंने बताया तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स को आप ज़रूर यूज़ कीजिए इमरजेंसी सिचुएशंस में, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा, और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस मैं बना रहा हूँ इस चैनल पर सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम का फीचर्स का, कैमरा डिटेल्स हो, कंपैरिजंस हो Xiaomi Mi A1 से, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहे हमारे चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर अपना दोस्तों, बाय बाय।